हाय एवरीवन, आज हम घर में ही बनाएंगे एक साल के बच्चे के लिए टू पीस पजल। आपको व्हाइट शीट पर जिस भी चीज की पजल बनानी है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं एलिफेंट बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में जो नितिका है जो कि एक साल की है उसे एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मैं उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एनिमल पजल बना रही हूँ। ठीक उसी तरह आपको भी बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से ही पजल बनाना है ताकि बच्चों का इस तरह की पजल में इंटरेस्ट बने। ये घर में बनाने के लिए बहुत ही आसान पजल है। अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप किसी भी कलर्ड शीट पर कलरफुल पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने 3 से 4 साल के बच्चों प्री स्कूलर्स के साथ भी करवा सकते हैं। आप उनके साथ मिलकर शेप की, फ्रूट्स की, एनिमल्स की पजल बना सकते हैं। इससे उन्हें भी मज़ा आएगा, उनकी लर्निंग होगी और साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी भी निकल कर बाहर आएगी। यहाँ पर मैंने ब्लैक स्केच पेन से एलिफेंट की आउटलाइन करी है और एडजेल के ब्रश पेन से इसकी कलरिंग करी है। अब हमारी पिक्चर पूरी हो चुकी है तो हम इसे कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इस कार्डबोर्ड के पीस को एक पुराने डिब्बे से काटा है। आप भी इसी तरह घर में से ही कोई भी कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरी पिक्चर पर टेप लगाई है। यहाँ पर हमने टेप इसलिए लगाई है ताकि पहला पिक्चर को शाइन दे सके, दूसरा बच्चे इसे खेले तो फटे ना, और तीसरा अगर खेलते वक्त इस पर कुछ गिर जाए तो वो साफ हो जाए। टेप लगाने के बाद आपको इस पिक्चर को एक पजल बनाना है और कटर से इसे 2 भागों में काट लेना है। आपकी 2 पीस पजल बनकर तैयार है। आप इसी तरह बच्चों के लिए 2 पीस 3 पीस 4 पीस पजल आराम से बना सकते हैं। बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और प्री स्कूलर को एज अ लर्निंग एक्टिविटी, क्राफ्ट एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के और भी DIY वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।